हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई से देसी घी। तो मैं उसकी रेसिपी करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर। जो मैं मलाई से देसी घी बनाने वाली हूँ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस घर से जो हम मलाई निकालते हैं उसी मलाई से मैंने बनाया है देसी घी, बिल्कुल प्योर। उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। और उसके साथ ही मैंने आज बनाया था बनाना शेक, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। तो मैं उसकी रेसिपी भी साथ में शेयर कर दूंगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़। ये ली है मैंने मलाई, जो हमारे घर पे दूध आता है, मैंने उसी को बॉईल करके फिर कम आंच पे थोड़ा सा पका के फिर मैंने उसकी मलाई निकाली है। और मतलब फिर हम दूध को जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर मलाई जो है उसके ऊपर जम जाती है अच्छे से। तो मैंने ये एक हफ्ते की मलाई इकट्ठा करके रखी है। तो अभी हम गैस पे रखेंगे एक बर्तन जिसमें हम घी बनाएंगे। जो मलाई है अभी मैंने इस बर्तन के अंदर डाल दिया और मैंने गैस को भी ऑन कर दिया है। तो अभी देखिए ये पकने लगी है हल्की हल्की सी। जब ये प्रॉपरली मेल्ट सी हो जाएगी अच्छे से तब हम गैस की फ्लेम जो है वो कम करेंगे। हम इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। और ये देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कुछ भी दही या नींबू वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। जो नॉर्मल मलाई हमने इकट्ठा करके रखी थी सिर्फ उसी को ही मैंने जो है बर्तन के अंदर डाला है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली है। ये देखिए मलाई जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, दूध की तरह दिख रही है गाढ़ी सी। तो अभी हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये एक जगह पे ना रहे, फिर बर्तन जो है वो काफ़ी गंदा सा हो जाता है, यानी कि जो मलाई है वो जम जाती है और वहाँ से जलने लग जाती है। तो हम इसको साथ के साथ हिलाते जाएंगे। ये देखिए मलाई जो है वो हल्की हल्की सी फटने लग गई है क्योंकि एक हफ्ते की मलाई है। तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। और ये देखिए ऊपर घी जो है वो हल्का हल्का दिखने लग गया है। तो अभी बस हम इसको धीमी आंच पे बीच बीच में हिलाते जाएंगे और जो मलाई है वो भी प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगी और मलाई की जगह फिर इसमें दिखेगा आपको घी। ये देखिए अभी इसके अंदर घी प्रॉपरली बनना शुरू हो गया है। बस इसकी जो आंच है वो गैस की हम कम ही रखेंगे। तो ये देखिए घी बन गया है। तो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं इसके अंदर ऐसे छान लूँगी इस घी को, बिल्कुल ही प्योर घी घर का, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। दूध तो सबके घर पे आता ही होगा तो आप लोग भी ऐसे घर पे जो है वो घी बना सकते हैं। ये देखिए मैं ऐसे करके सारा घी निकाल लूँगी। तो ये देखिए जो घर की मलाई थी मैंने उसी से ये घी निकाला है। आप चाहें तो मक्खन से भी बना सकते हैं घी, लेकिन जो हम मलाई से घी बनाते हैं उससे जो घी है वो ज़्यादा निकलता है। और ये देखिए घी निकल गया है, बिल्कुल ही प्योर घी है घर का। और मैं अभी आपको बर्तन दिखाती हूँ, वो भी नहीं जला है क्योंकि मैं साथ के साथ हिला रही थी बीच बीच में, तो वो बिल्कुल सही है। और अभी हम बनाएंगे बनाना शेक। तो ये मैंने 4 केले लिए हैं और 1.5 गिलास लिया मैंने दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ी सी लिया मैंने चीनी। तो अभी हम इसको छील लेंगे सभी केले को। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने शेयर की है ये। तो मैं आपको बता दूं अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो आपके पास ग्राइंडर या कुछ भी हो तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा केले को आप उसके अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लें और फिर थोड़ा सा दूध डाल के उसको फेंट लें किसी बर्तन के साथ। और ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं केले वगैरह। तभी हम डालेंगे चीनी दूध के अंदर। और ये मैंने डाल दिए हैं अभी इसके अंदर कटे हुए केले। तो अभी हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप केले को ग्रेट भी कर सकते हैं, अच्छे से उसको बारीक ग्रेट करके और फिर आप दूध के अंदर डाल के चीनी वगैरह आप उसको अच्छे से फेंट लीजिए तो तभी जो बनाना शेक है वो बन जाएगा।
यहाँ देखिए बनाना शेक रेडी है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।